नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर और जन अधिकार न्यूज। पर्पल की खबरों पर नजर, और इस वक्त मैं आपके साथ हूं ज्ञानो कुमार दीक्षित। सबसे बड़ी खबर, खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर हो जनता से जुड़े मुद्दों की या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके जिले की हर खबर। खबर रामपुर मथुरा सीतापुर से है, जहां थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिवस एक 50 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में हुई मृत्यु के बाद हिरासत में ले गए संदिग्धों को पुलिस द्वारा छोड़ देने के बाद से नाराज परिजनों ने आज शव को सड़क पर रखकर दोषियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की मांग की। करीब 2 घंटे तक सड़क जाम करने के बाद CO महमूदाबाद के आश्वासन पर जाम हटाया जा सका। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम तुलसीपुर खरिका निवासी 50 वर्षीय राजेंद्र शुक्ल का खेत ग्राम मरौचा निवासी पंडा ने ठेके पर ले रखा था। आज सुबह पंडा उर्फ वेचे लाल ने फ़ोन पर राजेंद्र को अपने हिस्से का मिंथा ऑयल लेने के लिए अपने घर मरौचा बुलाया। थोड़ी देर में तुतहीपुर निवासी श्यामलाल चौहान भी मरौचा पहुंच गए। दोनों लोग तेल लेकर श्यामलाल चौहान के घर पर आ गए। श्यामलाल अपने घर से तुतहीपुर तक आए, वहाँ से श्यामलाल का रिश्तेदार पंचम मृतक राजेंद्र के घर से 1 किलोमीटर पहले ही छोड़कर मृतक राजेंद्र के घर बेहोशी की सूचना दिया। इस मृतक के परिवारीजन बेहोशी की अवस्था में कस्बा स्थित CHC लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने राजेंद्र को मृत घोषित कर दिया। शव को PM के लिए भेज दिया गया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार पुलिस ने पूछताछ के लिए उक्त सभी को थाने ले आई है, किंतु कुछ देर बाद ही छोड़ दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद देर रात्रि वापस आए शव का परिजनों ने अंतिम संस्कार नहीं किया, और आज प्रातः पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने रामपुर मथुरा महमूदाबाद सड़क पर तुलसीपुर खरिका गांव के पास बल्ली बांधकर शव को बीच सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे से अधिक समय तक लगे जाम से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। मौके पर पहुंचे SDM सुरेश कुमार व CO रविशंकर प्रसाद के काफ़ी समझाने व PM रिपोर्ट आने के बाद ठोस कार्रवाई किए जाने के आश्वासन पर मामला शांत हुआ, और परिजन मृतक राजेंद्र शुक्ल के शव का अंतिम संस्कार करने को राजी हुए। आज पुनः मृतक के पुत्र अंकित ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उक्त तीनों आरोपियों द्वारा राजेंद्र के खाने में कोई विषैला पदार्थ डाला गया था, जिसके खाने के बाद उनकी हालत बिगड़ी और मृत्यु हो गई। जिला संवाददाता राकेश कुमार डिहुआ की खास रिपोर्ट। मिलते हैं इसी तरह के अन्य ताज़ा खबरों के साथ, तब तक। नाम है आपका? राहुल शुक्ला। कहाँ रहा थे? तुलसीपुर करिका रामपुर मथुरा। क्या हुआ? हमारे पिताजी को लेके गए थे राधेश्याम, और वहाँ मरौचा के बेचेलाल पंडा पंचम और एक लोग और थे, 3-4 लोग थे, और सुबह 6 बजे आए यहाँ, जगा के लेके गए और फिर उनको जहर पिला दिए और फिर रास्ते में छोड़ के चले गए। जब हम रास्ते में कहाँ पे छोड़े? रास्ते में छोड़े थे वहाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर है गांव से। हाँ, गांव से 1 किलोमीटर है, वहाँ छोड़ दिए। 2 लोग थे, घर पे भी छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, लास्ट छोड़ के और फिर चले गए। सुबह पूछने गए थे तो ये साहब बोले थे कि वो लोग अच्छे आदमी। क्या कहा क्या नहीं कहा वो छोड़ो, बोले अच्छे आदमी, उस बात को छोड़ दो भाई, हम कर रहे हैं, हम नए सिरे से रिपोर्ट नहीं आई, बोल दिए हार्ट अटैक था। जब आई नहीं रिपोर्ट, क्यों बोल दिए? अपने मर्जी से किसने बोल दिए? ये कह रहे हम, कहे नहीं आप, कह रहे क्यों आप थे नहीं, हमने कहा मामा छोड़ो, मेरे अंदर सारी चीजें हैं। सुनो मेरी बात, ये भी यही है, हम भी यही हैं, आप भी बिल्कुल गैरकानूनी है। Oh, my God.
बंद करा रोड, बंद करा रोड, अभी बताओ मीडिया बताओ, मीडिया रोड जाम करोगे, अधिकार है, शासन आदेश है, रोड नहीं जाम करोगे। पोस्टमार्टम करा दिया, पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम में बिसरा रिजर्व आया, बिसरा जाएगी जांच के लिए, बिसरा आएगा तब तो होगा। अरे एसपीएम का पहले हम थोड़ा एसपीएम कार्रवाई करेंगे, बता दिए, हाँ बता दिए, बता दीजिए, ये नहीं हटेगी, बहुत ही हार्ट अटैक होगा, आज तक हार्ट अटैक कभी नहीं हुआ देखिए। ये राजेंद्र प्रसाद शुक्ला थे, कल ये कहीं जा रहे थे तो इनकी रास्ते में मृत्यु हो गई, इसकी सूचना इनके परिजनों ने कल दी, इसमें हम लोगों ने पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई कराया। आज सुबह इनके परिजनों का ये कहना था कि पीएम और पंचायतनामा मुझे दिखाया जाए और पीएम की कापी मुझे दिया जाए, इस बात को लेकर ये लोग रोड के किनारे भी शव को लेकर आ गए थे, उनके समझाने बुझाने पर ही लोग दाह संस्कार के लिए शव को लेकर चले गए हैं। इसमें जो भी पीएम पंचायतनामा है इसमें बिसरा प्रिजर्व किया गया, उसकी रिपोर्ट भेजी जा रही है, जो भी इसमें रिपोर्ट आएगी आगे इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। मीडिया से, मीडिया से है, हाँ छोड़ देना, रात में छूट गए, तो मार खाता है, लेकिन वो तो मटर में आराम से बैठा, उससे कोई बात नहीं हो रही करेंगे उसको बैठाया, पूछताछ करेंगे, आप रिपोर्ट आने दो, विश्वास करो। अब इस तरह देखो, पूरी सहानुभूति आप लोगों के साथ हमारी है, जितने भी परिवार के लोग, लेकिन इस तरह रोड जाम करोगे तो ये भी ये गलत है, ठीक है, रोड जाम करना कहीं से भी उचित नहीं है। रोड सर तो इसीलिए जाम के कि कोई कार्रवाई है ही नहीं, वो आराम से वहाँ बैठे हैं, कोई उनसे पूछताछ होगी, मैं बता रहा हूँ ना, कार्रवाई की लाश पहुँची नहीं थी, छोड़ दिए गए। अब इस तरह रोड जाम करना, रिपोर्ट से नहीं होता है ये बात। कैसो साहब बताए, एसओ साहब से पूछे कि उन लोगों को क्यों छोड़ दिए, तो बोले वो लोग बेगुनाह हैं और जाके बॉडी जला दो, और उनको हार्ट अटैक की बीमारी थी। अच्छा, जो लोग जिन लोगों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं उनको पुलिस थाने लाई थी या नहीं लाई थी? पुलिस लेके आई थी और फिर शाम को ही छोड़ दिए, जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी पैसा लेके उन लोगों को छोड़ दिए शाम को ही। और लाहौर सीतापुर पहुँच चलो ठीक है, अगर उन्होंने बोला है तो मैं कह रहा हूँ दूसरे थाने से जांच करा दूंगा, उसी को पकड़ के खड़े हो, सदर पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ तुमको, दूसरे थाने से जांच करा दूंगा, दूसरे एसओ से करा दूंगा, इस बात को कुछ नहीं मानते, दुनिया पर यहाँ लेकिन लोरिया रहे उनसे करा लो जो चले गए।
ना कोई हटे ना हमारे सामने जो भी कार्रवाई करनी और जो रिपोर्ट हुई उनके माध्यम से उनका दंड देना एक पहले उनका खाया जाएगा।